हेलो एवरीवन, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या स्टेप होती है, क्या करना होता है। तो अभी हम आ गए हैं फर्स्ट स्टेप, जहाँ से हमें अंदर एंट्री लेना है। तो यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड और आपका टिकट इन्हें बताना होगा। मेन एंट्रेंस पे जो सिक्योरिटी होगी वहाँ पर आपको आधार कार्ड और अपना फेस भी बताना होगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ये एंट्री दे देंगे। एंट्री करने के बाद आपको आपके बैग चेक इन कराने पड़ेंगे। चेक इन यहाँ देख रहे हैं आप, अलग अलग काउंटर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सामने। हर फ्लाइट के अलग अलग काउंटर होते हैं। हमारी टिकट थी इंडिगो की, तो हमें इंडिगो के काउंटर पे जाना था। ये सारे जो दूसरे फ्लाइट एयरलाइन के जो काउंटर थे, ये थे, ये वो सब एयर इंडिया, लुफ्थाना। तो अभी हम आ गए हैं इंडिगो के काउंटर पे। यहाँ पे आपको लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, आपका बैगेज चेक इन कराना है और हमें यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेना है चेक इन करवा के। आपको बैगेज की लिमिट होगी 15 kg, एक बड़ा सूटकेस होगा जो आप चेक इन करवा सकते हैं, और 7 kg जो आपका हैंड कैरी आप रख सकते हैं। तो आपको टोटल यहाँ पे 22 kg आपको वेट अलाउ रहेगा डोमेस्टिक फ्लाइट में, जो कि 15 kg चेक इन करना होता है और 7 kg हैंड कैरी आप कर सकते हैं। यहाँ आके हमें फिर से आधार कार्ड बताना है और हमारा टिकट इनको बताना है यहाँ पे, और यहाँ ये बैग हमारा इधर रख देंगे तो वहाँ पे वेट कितना है ये चेक होगा और हमारा बैग हम चेक इन कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ से लेंगे हमारा बोर्डिंग पास, आधार कार्ड और टिकट बता के। और ये देखिए, ये है रहा मेरा टिकट इंडिगो का, जो कि मुंबई से हैदराबाद का टिकट है मेरा। तो हमें अभी बोर्डिंग पास मिल जाएगा। अगर आपका बैग का वेट अबव 15 kg होता है तो आपको उसका अलग से पे करना पड़ेगा, जो भी 1 kg 2 kg अकॉर्डिंग टू वेट आपको ये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया है और उस पर आपको आपका सीट नंबर और आपका गेट नंबर भी उस पे दिया हुआ होता है। आपको गेट नंबर दे के ही आपको उस गेट पे चले जाना है जहाँ से हमें हमारी फ्लाइट को पिक करना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी चेक इन। यहाँ पे हमें हमारा बोर्डिंग पास स्कैन करके हमें उस साइड जाना होता है। वो स्कैन हम कर लेंगे और उस साइड हम अभी आ गई हूँ मैं सिक्योरिटी चेक इन करवाने के लिए। यहाँ पे हम लोग हमारा जो हैंड कैरी होगा, जो भी उसमें सामान होगा, वो हमें यहाँ पे चेक करवाना है। ये ट्रे होती है जिसमें हमें हमारा सामान रखना होता है, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, हेडफोन्स और बेल्ट, सारे फ़ोन्स, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आपको सारी इस ट्रे में निकाल के रखनी है। आपके अगर हैंड कैरी के अंदर रखी हुई है, सब देख रहे हैं आप लोग, ऐसे निकाल के आपको अपनी ट्रे में रखना है जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, लाइटर है, सब कुछ। लाइटर तो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, लाइटर, सीजर, ऐसी जो चीज़ें होती है, नाइफ, ये सब कुछ आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, निकाल के फेंक देंगे ये लोग। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी है आपके बैग में निकाल के, पानी का, इवन पानी का बॉटल भी हो तो आपको निकाल के स्ट्रे में रखना है। और ये सारी चीज़ें चेक होगी, अगर उनको लगे कि इसमें कुछ सही नहीं है तो आपका बैग इस लाइन से अलग हो जाएगा और वो आपको अलग से बुला के आपका बैग आपके सामने खोल के फिर उसको चेक करेंगे। और ये बैग यहाँ से उधर वो साइड जाएगा और हमको उस साइड से बाहर निकलना होगा। फ़ोन यहाँ पे अलाउ नहीं है तो मैंने अपना फ़ोन इधर ही छोड़ दिया था अभी। और फिर उसके बाद हमारी भी चेक इन होगी यहाँ से, हमें भी वो लोग चेक करेंगे। साथ में कुछ ले जाना नहीं होता हमें यहाँ पे, सिर्फ वो चेक करके। इस साइड मैं अभी आ गई हूँ, मेरी सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया, पर्स, और वापस उसमें अपना सामान रख दिया क्योंकि ऐसी कोई चीज़ मेरे पास थी ही नहीं, तो अच्छे से हो गया। और यहाँ पे हम आ गए, अभी चलते हैं डोमेस्टिक गेट की तरफ। यहाँ पे फिर से हमें अपना बोर्डिंग पास रखना होता है जहाँ से ये गेट खुल जाता है। और अभी हम जाएंगे डोमेस्टिक फ्लाइट की ओर, जहाँ पे हमारा गेट नंबर होगा। हमारा गेट नंबर था 42, तो हमें ये था नीचे, तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे की ओर जहाँ हमारी फ़्लाइट रहेगी, जहाँ से हमें जाना होगा, जहाँ सारे गेट अवेलेबल होंगे। आपको अगर पता नहीं है तो आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हैं गेट नंबर कहाँ है। आपको सारे सिक्योरिटी वाले जो भी लोग हैं आपको हेल्प करेंगे, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। यहाँ देखिए, पायलट खुद मुझे लेने आए हैं यहाँ, जिस फ्लाइट से मैं जा रही हूँ, हैदराबाद जा रही हूँ। तो अभी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एयरपोर्ट पे न्यूज़पेपर भी होता है,
सारे शॉप्स होते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, अंदर खा सकते हैं, पी सकते हैं, मैकडी, केएफसी सब कुछ मिलेगा आपको अंदर खाने के लिए, टाइम पास के लिए आपका अगर फ्लाइट डिले है कुछ है, लॉन्च भी रहेगा अंदर, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप बिल्कुल लॉन्च भी फ्री होता है। और अगर ये स्क्रीन जो देख रहे हैं आप, वहाँ पे आपको फ़्लाइट की टाइमिंग और फ़्लाइट नंबर से आप पता कर सकते हैं, जगह जगह ये स्क्रीन्स लगे होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट कब है, डिले है तो कितनी डिले है, कितने बजे रहेगी, ये स्क्रीन से आप पूरा उस फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं। और देखिए ये लॉन्ग वे होने की वजह से ऐसे ट्रैक्स भी बने हुए हैं, ये अगर एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा बना हुआ है तो ये वहीं होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करना होता है ना, ऐसे यहाँ पे एस्केलेटर बने होते हैं, तो हम लोग ने यही यूज़ किया अभी जाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं हमारी गेट की ओर, क्योंकि अब ऑलरेडी 12 बज रहे हैं, रात के 12 12:30 हमारी फ़्लाइट थी 2 बजे की, जो कि फ़्लाइट है ऑन टाइम। तो अभी हम जाके थोड़ा सा अभी टाइम है हमारे पास, और देखिए यहाँ पे वॉशरूम्स भी है, सब कुछ आपको खाने के लिए भी मिलेगा, पानी पीने के लिए मिलेगा, और ये है वेटिंग एरिया जहाँ पे लोग सारे वेट कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारे गेट की तरफ, जो कि हमारा गेट नंबर था 42। ये देखिए ये है वेटिंग एरिया जहाँ से आपकी थर्ड स्टेप होगी, यहाँ पे देखिए अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, तो ये डी बोर्डिंग के लिए हमें बुला रहे हैं, फिर से आपको यहाँ लाइन में रुकना पड़ेगा और ये लोग बोर्डिंग चेक करके आपका आपका बोर्डिंग पास चेक करके आपको फिर फ़्लाइट की तरफ भेजेंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, पायलट है ये, तो इसके लिए मुझे लाइन में रुकना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट निकल गए, नहीं तो इस तरह से आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और आपका बोर्डिंग पास ये चेक करेंगे और यहाँ से आपको फिर फ्लाइट की ओर जाना पड़ेगा। ये वाली है हमारी फोर्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप थी हमारी जहाँ से हमने अंदर एंटर किया, उसके बाद चेक इन किया बैगेज, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने सिक्योरिटी चेक इन किया, अभी फोर्थ स्टेप हम लोग यहाँ पे बोर्डिंग पास बता के आ गए, और एक स्टेप बाकी है जो अब फिफ्थ स्टेप है, जो कि फ़्लाइट में एंटर करने से पहले फिर से आपको आपका बोर्डिंग पास चेक करवाना होता है, वो लास्ट स्टेप रहेगी, फिर यहाँ से आप अंदर जाके बैठ सकते हैं। ये देखिए प्लेन भी आ चुका है हमारा, रेडी है जाने के लिए। तो अभी देखिए फिर से यहाँ पे आपको आगे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक बार आपका बोर्डिंग पास चेक होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें अंदर जाके हमारी जो भी सीट नंबर है आपका बोर्डिंग पास पे दिया हुआ रहेगा, उस सीट के अकॉर्डिंग आपको आपकी सीट पे बैठ जाना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरे ये जो एयरबेस है इसमें होते हैं 38 सीट होते हैं, 1 to 38, लेकिन आप ऐसे नहीं है कि 38 ही सीट होते हैं, वन रो में आपको 6 सीट्स मिलेंगे, वन रो में, सेकेंड रो में आपको 6 सीट मिलेंगे, ए बी सी एक साइड होगा और डी ई एफ एक साइड होगा, जिसमें ए और एफ विंडो सीट्स होंगे आपके और बाकी के कॉर्नर सीट्स रहेंगे आपके। तो मेरा सीट नंबर था 38 जो कि लास्ट सीट था हमारा, और जो भी आपका हैंड कैरी है आप यहाँ ऐसे ऊपर रख सकते हैं, ये हैंड कैरी आप अपने साथ लेके नहीं बैठ सकते कुछ भी, आपको सारी अपनी चीज़ें ऊपर ही रखना होता है। और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। रो एक और आपातकालीन निकास वाले रो में दो बीच में, दो पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। तो अभी हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं, अभी हम एंटर कर चुके हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट, और यहां से हमने जो अपना बैग चेक इन किया था वो हमें रिसीव करना होता है। अभी हम लेंगे यहाँ, ये देखिए बेल्ट नंबर आपको फ्लाइट में ही बताया जाता है कि कौन से बेल्ट नंबर पे आपका बैग आने वाला है, तो देखिए ये इस बेल्ट पे हमारे बैगेज आने वाले हैं, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं बैगेज का, और आपको यहाँ से अपना चेक इन किया हुआ बैग लेना है और बैग हमें मिल गया और यहाँ से हम फिर निकल जाएंगे, या इसके बाद आपको कोई स्टेप फॉलो नहीं करना है, जहाँ एग्जिट है वहाँ से आप निकल जाएं बाहर की ओर, और बहुत ही इजी है स्टेप्स है, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आ गए हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट बाहर, तो देख चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।